सो हाय गाइस, दिस इज़ लखन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग रेफरल कोड जोन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि रेफरल लिंक या रेफरल कोड क्या होता है। सो गाइस, आप किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो, चलिए मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स को बताता हूँ। तो अभी हम चलते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स पर। अब जैसे हम ड्रीम इलेवन को ही ओपन कर लेते हैं। अब गाइस, यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन है। अब गाइस, रेफरल कोड तो क्या होता है? रेफरल कोड ये होता है और रेफरल लिंक इसके नीचे दी गई होती है, जिससे हम साइट को विज़िट करते हैं। अब ये रेफरल कोड किस काम में आता है और रेफरल लिंक किस काम में आता है, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अब हम बात करते हैं रेफरल कोड क्या होता है। गाइस, जब आप किसी अर्निंग से रिलेटेड वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ आपको रेफरल कोड ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को एक पार्टिकुलर रेफरल कोड दिया जाता है जब वो सॉफ्टवेयर बनाता है किसी वेबसाइट पर, या अगर HTML से बना रहा है तो उसको खुद से एक जो है रेफर कोड क्रिएट करना होता है, एक यूनिक रेफर कोड क्रिएट करना होता है। जिससे होता ये है कि मैंने अभी आपको ये ऐप सेंड किया, आपने रेफर कोड डाला, तो जो है ये रेफर कोड डालते ही उस सर्वर तक पहुंच जाएगा जहां से ये वेबसाइट बनी है, तो सर्वर तक पहुंच जाएगा और वहां पर बता देगा इस रेफरल कोड के ज़रिए कि आपके जो ऐप है कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अब रेफरल कोड तो ये होता है गाइस कि आपको बता देता है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है आपके रेफरल कोड से। और रेफरल कोड का सबसे बढ़िया फ़ायदा यह होता है कि सामने वाले को भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को शेयर कर रहा हूँ तो अगर उसमें रेफर कोड है तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा ही। अब रेफरल लिंक क्या होता है? रेफरल लिंक बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेट करता है, जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी कुछ साइट्स हैं, ई कॉमर्स या बहुत से पेमेंट साइट्स भी होती हैं जो अपने रेफरल लिंक देती है, वहाँ रेफरल कोड नहीं होता है। अब वो रेफरल लिंक अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होता है। जैसे मान लिया जाए, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे टेक्निकल गुरुजी की, मान ले। अब टेक्निकल गुरुजी के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, तो वहाँ पर जो है उनके अमेज़ोन के लिंक एक दिखाई देगी। अब वो एफिलिएट लिंक है, जिससे अमेज़ोन या किसी और कंपनी के जब आप एफिलिएट लिंक पर क्लिक करते हो तो उस कंपनी को मालूम पड़ जाता है कि कितने लोग इस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। उन्हें ऐसे मालूम नहीं पड़ता कि अगर आप किसी वेबसाइट को खोल रहे हो, उसमें प्रोडक्ट देख रहे हो, तो इस तरह कंपनी को जानने में बहुत मुश्किल होती है कि आप कौन सा प्रोडक्ट देख रहे हो अभी उनकी वेबसाइट पर बिना लॉगिन किए। लेकिन जब एफिलिएट लिंक पर आप क्लिक करते हो और तब आप सब कुछ देखते हो, तो कंपनी को सब पता चल जाता है कि आप क्या क्या हमारी वेबसाइट पर देख रहे हो और कितने लोग उस रेफरल लिंक के थ्रू विज़िट किए हुए हैं हमारी वेबसाइट पर। तो रेफरल कोड लिंक बेसिकली इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको रेफर कोड और रेफरल लिंक में समझ आ गया होगा अंतर, और अगर आ गया है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करके जाना। धन्यवाद।